अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्पॉट प्रोग्राम ऑफ एप सेक फॉर ट्रोट रावलपिंडी। दिस इज़ मिस मैविश। बायोलॉजी लेसन फॉर क्लास 8, चैप्टर नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी, वीक 8, लेक्चर नंबर 2। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, स्पीशीज एंड हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस लेक्चर, students will be able to illustrate the classification of human and P. They will be able to understand about species and fertile offspring. They will be able to outline the work of some biologist on classification system. In today's digital world, everyone must have shopped online. If you order from any app, the product delivered at your doorstep. Can you tell me what it is? Think about it. Yes, it is address. Now let's see the format of address. First of all, country name is mentioned here, then the name of state or province, then district, city, sector, house number and name of individual. Country is the largest unit and individual name is the smallest unit. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को कन्वीनियंट बनाने के लिए एक साइंटिस्ट कैरलस लियनियस ने ऐसी ही रैंकिंग या हायरार्की को प्रपोज किया था। आज हम एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 1, वी डिवाइडेड ऑल ऑर्गेनिज्म इंटू 5 किंगडम। सो जस्ट लाइक कंट्री, हम देखते हैं कि हमने तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमारे पास किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सोन एंड स्पीशी इज़ द स्मॉलेस्ट टैक्सोन। टैक्सोन मीन ग्रुप और लेवल एंड हायरार्की मीन सीक्वेंस और लैडर। इट इज़ जस्ट लाइक अ लैडर, जैसा कि हम एक सीढ़ी के थ्रू बॉटम से टॉप एंड टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, इसी तरह हम यहाँ से स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, एंड फ्रॉम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस, देन स्पीशीज की तरफ एक ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम एड्रेस की एग्जांपल से इस क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कंट्री की तरह हमने ऑर्गेनिज्म को एक किंगडम में रखा। देन किंगडम इज़ डिवाइडेड इंटू फाइलम इन केस ऑफ एनिमिलिया, और इन केस ऑफ प्लांट इट इज़ नोन एज डिवीजन। जैसा कि एक कंट्री के अंदर डिफरेंट प्रोवेंसेस होते हैं, इस तरह किंगडम के अंदर फाइलम, और प्रोवेंस के अंदर हमने देखा कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो फाइलम इज़ फर्दरली कैटेगराइज इनटू क्लास, रिलेटेड क्लासेस आर कैटेगराइज इनटू ऑर्डर एंड ऑर्डर इज़ रिलेटेड टू फैमिली, जस्ट लाइक फैमिली इज़ रिलेटेड टू जीनस एंड देन स्पीशी। तो सिटी इज़ फर्दरली कैटेगराइज इनटू स्ट्रीट नंबर एंड सेक्टर्स, देन हाउस नंबर एंड नेम ऑफ इंडिविजुअल। तो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सोन एंड स्पीशी इज़ द स्मॉलेस्ट टैक्सोन। नाउ लेट सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड पी। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन, टैक्सा ह्यूमन, किंगडम एनिमिलिया, बिकॉज ऑर्गेनिज्म एबल टू मूव ऑन देयर ओन आर इंक्लूडिंग इन किंगडम एनिमिलिया। देन वी हैव फाइलम कॉर्डेट। कॉर्डेट्स आर ऑर्गेनिज्म विद प्रॉपर बैकबोन, प्रॉपर स्पाइनल कॉर्ड। क्लास मेमेलिया, ऑर्गेनिज्म विद फर एंड हेयर एंड हैविंग मिल्क ग्लैंड्स आर ग्रुप्ड इनटू अ किंगडम मेमेलिया। इट कैन फीड देयर बेबीज। देन ऑर्डर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स आर ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रॉपर ब्रेन, प्रॉपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दे कैन केयर इटसेल्फ और एंड दे कैन केयर देयर बेबीज। देन फैमिली होमिनिडी। होमिनिडी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैट फेसेस एंड थ्री डायमेंशनल वीयंस। एंड देन जीनस प्राइमेट विद अपराइट पोस्चर्स एंड लार्ज ब्रेन्स आर ग्रुप्ड इनटू अ जीनस होमो। देन स्पीशीज, स्पीशी इज होमो सेपियंस। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पी। किंगडम प्लांटे, फाइलम मैग्नोलियो फाइटा आर फिटा, एंड देन क्लास मैग्नोलियो सीडा। मैग्नोलियो फाइटा एंड मैग्नोलियो सीडा आर दोज प्लांट्स जिनके अंदर हम देखते हैं कि
अगर आप उनके बीच को देखें तो वो टू पीसेस में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। ये डाइकॉट्स होते हैं। जैसा कि आप घर में सब्जी खाते हैं, ये मटर के दाने को अगर आप देखें तो आप इसको दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर सीड्स हैविंग डाइकॉट्स। देन ऑर्डर फेबेलस एंड फैमिली फेबेसी, वो तमाम प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावरिंग होती है वो ऑर्डर फेबेलस में इंक्लूडेड होते हैं। और फैमिली फेबेसी, फेबेसी मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनमें लेग्यूम्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट लेग्यूम्स भी, जहाँ से डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही होती हैं। देन जीनस इज पिज़म एंड स्पीशीज इज पिज़म सैटिवम। अगर आपको ये याद करने में मुश्किल लगे तो यहाँ पर मैं आपको एक निमोनिक ट्रिक देती हूँ इस ऑर्डर को याद करने के लिए। किंग पीसीओ फॉर गर्ल्स स्कूल्स, के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली एंड जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीशीज। नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन नोन एज स्पीशीज। डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन द क्वेश्चन। व्हाट करेक्टरिस्टिक्स फीचर मेक दिस एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग टू एनुअल एग्जाम, रिगार्डिंग टू बोर्ड क्वेश्चन। सो लेट्स सी। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, बट कैन रिप्रोडक्टिवली isolated from all other species. So it should be natural population, it should be a real, it should not be synthetic one, it should not be cloned or someone what which is not natural in their true sense. Interbreed mean process of mating, they can produce their children, and fertile offspring mean their children's, their babies should have the fertility and enough to produce their own babies. That is essential for the continuation of generation. Similarly, they should be reproductively isolated from all other species. How? Because one species can only reproduce with the same species and cannot intercross or reproduced with any other species. Here is an example like mule. The best example is the mule reproduction from horse and donkey, but it is not a fertile at all. That is best example to prove all these key points. If the species they can reproduce with some other closely related species, then they will produce unfertile offspring like mule. But here we should consider one thing, that interbreeding is not only criterion for specific recognition, because the species they have also rely on other thing too. Reproduction in case of those individuals which are reproducing asexually not fit here. That's why that should be not considered as the only criterion for to consider the species. So there are many other criterion to understand the species, just like the features classification is also based on the species possess its own distinct structural, then ecological and behavioral characteristics. Ecological mean habits and habitats. So species are independent evolutionary unit that they can make their own identity. Dear students, now open your book, page number 36. Here you can read about the work of some biologists on classification method, like work of Andrea Castelvino, John Rye, Augustus Ravinus, Tourneyfort, Carolus Linnaeus, and the explanation of all this classification system will be discussed in next lecture. Now just have a review what we have studied today.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्न अबाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसमें हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी रैंकिंग या हायरार्की को डिस्कस किया। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड पी को डिस्कस किया। देन स्पीशीज, व्हाई स्पीशी इज नोन एज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड एट लास्ट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। सक्सेस क्राइटेरिया टू रिमेंबर द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड पी टू रिमेंबर स्पीशीज। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेक्चर। नाउ हेयर इज अ क्वेश्चन फॉर होम टास्क। इट इज डिफिकल्ट टू यूज द क्राइटेरियन ऑफ इंटरब्रीडिंग टू डिफाइन स्पीशीज ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वाई? डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए आप अपनी बुक के पेज नंबर 36 टॉपिक स्पीशीज के इन्फो बॉक्स से हेल्प ले सकते हैं।